जिले के महुआ से है, जहां राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध यादव ने किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, वैसे पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए यह बिल लाए हैं, लेकिन अब किसान आंदोलन शुरू हो गया है। लोकतंत्र की जननी वैशाली से राजद किसान आंदोलन की शुरुआत करी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी बोले हैं कि यह बिल किसान के हित में नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू से बात हमारी हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग इस बिल के विरोध में जो विधेयक आया है, हम लोग जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, किसान के हित में किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी एक बीजेपी के में जो अकाली दल की मंत्री थी, उन्होंने भी पद से इस्तीफा देने का काम किया है, तो बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। उनके यहाँ जो मंत्री थे, उन्होंने भी इस विधेयक के विरोध में इस्तीफा देने का काम किया है, और किसान के साथ जो यह सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कि आप हमको एक बार मौका दीजिए कि जो भी किसान का लागत मूल है, जो उसका कीमत हम तय करेंगे, जो भी लागत मूल है उसका आय से दोगुना कीमत उसका हम तय करेंगे, लेकिन कहीं उन्होंने नहीं किया।